रुकजा। ओ नमस्ते बहन जी, नमस्ते। नमस्ते। ओ बहन जी, ओ मारो पोतो ढोलाराम। मुँ एनी इनो थारी स्कूल रे मैं एडमिशन करावन आई। वो तो यो थारी स्कूल रे मई ज पड़े है ओ पहली पर थोई ने बारे काट दियो थो इन वास्ते मुँ पासो एडमिशन करावन ने आई हूँ। देखिए आप पहले तो ना ये बहन जी कहना बंद कीजिए और मैडम जी कहिए। है कोई कहना मैडम जी? कहो मैडम जी। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी। है मेंड कीजिए। है मेंड कीजिए। है ए भाई अरे फूट रही दी के न मेंड कीजिए। ए आसी भी मेंड कीजिए रो कोई तो के वा मारे कोई कर तू बोलो रे। है ओ नमस्ते मेंड कीजिए। नमस्ते मेंड की आप बहन जी कहो। बहन जी सही है ना, वही कहो आप। हाँ तो वो तो मुझे पहली कहती है बहन जी, तो मुझे पहली कहती के है उमर पोतो इनो एने नाम लिखो थोड़ी स्कूल रे माई पास हो तो बारे की कर काटी हो इन्हें। देखिए मैडम आपका जो पोता है ना ये होमवर्क करके नहीं लाता है, स्कूल को काम पूरा कर कौन लावे ई वास्ते बारे काटी हो इन्हें। है होमवर्क करे नहीं लावे है ना सोरा, तू होमवर्क करे नहीं लावे। अरे मैं उस दिन होमवर्क करने बैठा था लाइट चली गई थी। हो ओ बेन जी कोई है कि ओ घरे एक दिन है नी होमवर्क करने बैठो तो ओ जो ही बैठो लाइट परी गई है। पसे थोड़ी देर पसे लाइट पासी आई थी सेन ओ लई कियो तो मु होमवर्क करू होमवर्क करू मु नी करन दियो। मैं के ओ हो तू पासो बैठियो न पासी लाइट परी गई तो है भाई है लाइट बिना तो जीवारो ही कोनी वे है के इन वास्ते मु नी करन दियो तो। और आपको पता है आपका पोता स्कूल लेट आता है, बाकी बच्चे तो क्या एक साथ आते हैं सब तो सब टाइम पे आ जाते हैं, ये अकेला आता है उनके पीछे पीछे तो लेट होता है, तो इसको पूछो ये बाकी सबके साथ में क्यों नहीं आता। ओह मेंड कीजी कोई है कि साथ के मायने तो गधे आते हैं, शेर तो अकेला ही आता है, हमारा पोता शेर है तो वो अकेला स्कूल आता है पसे। अरे आप समझ नहीं रही हो मैं क्या कह रही हूँ, लेट आवे हो रोज ही ना लेट होवे था कुपो तो स्कूल के मायने। ओ मेंड कीजी कोई है कि लेट तो इन वास्ते हो जाता है कि सुबह सुबह जैसे ये स्कूल के वास्ते निकलने लागता है ना इनकी मम्मी ने पापा दोनों लड़ने लाग जाते हैं। ये लेट क्यों होता है रोज रोज के तो इके एक पग का जूता इनकी मम्मी ले लेती है एक पग के जूता इनका पापा ले लेते हैं। पसे वे दोनों लड़ीसते रहते हैं तो उबाने टाबर को तो मैं स्कूल की कर मेलू है तो मैं स्कूल नहीं मेलती हूँ मैं के तो हम दोनों दादी पोते बैठ के उसकी लड़ाई का मजा लेते रहते हैं बस खत्म होती है जदी ये स्कूल आता है इन वास्ते कदी कदी लेट हो जाता है। पर आप तो हमें ए हैंग बातें को छोड़ो ना, आप तो इका नाम लिखो ना है स्कूल के मायने नाम लिखो हम की टाइम टू टाइम आएगा, टाइम टू टाइम आएगा ना। हाँ देखो कह रहा है आऊंगा आऊंगा आएगा, लिखो लिखो नाम लिखो। चलो ठीक है मैं आपके कहने से इसका एडमिशन कर देती हूँ वापस, मैं कुछ सवाल पूछूंगी इससे अगर ये सही जवाब देगा तो ही वापस नाम लिखूंगी। तो पूछो ना मारे पोते को तो ए टू जेड हैंग सवाल आता है, कोई नहीं कोनी आता है मारे पोते को हैंग आता है। हाँ तो बेटा ये बताओ तुम्हारे पापा का नाम क्या है? हाँ बताओ बेटा बताओ। पापा बता दिया ना, पापा तो है वो पर पापा का नाम क्या है? ओ मेंड कीजी की कर बातें करते हो, हाल मारा पोता का ही है कि आपके पापा को लाड से पापा ही कहता है, हाल इसने उसका कोई नाम रखा ही कोनी तो बताएगा कटे से, पापा ही लिख दो आप तो पापा। अच्छा बेटा ये बताओ 1869 में क्या हुआ था बताओ बताओ? गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी रो जन्म हुआ था, वेरी गुड बिल्कुल सही बताया तुमने। अब ये बताओ 1872 में क्या हुआ था? ओ 1872 में पसे कोई वेवना था पसे गांधी जी 3 साल रा परा विया था। केड़ी कॉली मेंड की है थारे अतरे ठानी पड़े 69 में जन्म लियो 72 में 3 साल रा वेगा बोली वे। अच्छा छोड़ो बेटा कोई 15 फलों के नाम बताओ, 15 फलों के नाम। ओ फलारो नाम तो घणे ही आवे मोर बेटो रोज लावे मु रोज खावा, बताओ बताओ केला जिकू नमलो दे बताई दे बताओ बताओ। आम अमरूद केला। हाँ आम अमरूद ने केला है के बताई दी।
वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया तुमने। लेकिन ये तो तुमने 3 ही बताए, 12 फलों के नाम और बताओ। एक दर्जन केला, एक दर्जन केला और परा गिनो, 3 वेन, 1 दर्जन है बोरन, 15 व्यापा। अच्छा बेटा ये बताओ, शाहजहां ने क्या बनवाई थी? शाहजहां ने बहुत सारे बिल्डिंग बनाई थी। हाँ, शाहजहां ने बहुत सारी इमारतें बनवाई थी। वेरी गुड, अब ये बताओ शाहजहां कौन था? कौन था पसे कोई बता ही नहीं, बिल्डिंग बनाई थी तो साझा एक मजदूर रहता है, बिल्डिंगों तो मजदूर ही बनावे, पसे साझा मजदूर रहता कौन नहीं? मैडम आप स्कूल को क्या समझती हैं? कौन मैं स्कूल को काई समझती हूँ? स्कूल एक ऐसी जगह है मेंढकी जी, जिते हमारे बच्चों को कूटा जाता है, हमको लूटा जाता है। मैडम है थोड़ी, ना तो की पूछना ही नहीं आवे। अच्छा बेटा समझ लो, टेबल पर चाय गिर गई, इसको आप अपनी मातृभाषा में कैसे बोलोगे, बोल के बताओ। मातृयानी? हाँ मातृभाषा कोई वे, मातृभाषा मतलब मातृभाषा मतलब मम्मी की भाषा है ना, मम्मी की भाषा में बोलते हैं ना, तो टेबल पर चाय किसने गिराई, इसको मम्मी की भाषा में बोल के दिखाओ। मम्मी री भाषा में बताओ, मम्मी री भाषा में बता। पर दादी मेरे को तो आता ही नहीं है। ओ इने तो आवनो काई है, मुंह पर बताओ इने। अरे टटाबर है नी, चाय पानी की ढोल देवे नी, जण मम्मी री भाषा रे मायने विने के। अरे छाती कूटा मारो जीव लिया बिना थने चैन नी पड़े, ठोको बाप कुन ढोली आ चाय। यू बोले मोके मम्मी री भाषा में। अच्छा बेटा ये बताओ, जिसको सुनाई नहीं देता है कान से, उसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? ए जिसको सुनाई नहीं देता बिना तो कोई कहे तो बिना क्यों हुनाई देवे है? ए कौन ही रे बिना कोई हुनी से बिना तो की कहे तो। ओ मेंढकी जी थोई केड़ा काला काला सवाल पूछो मारे पोतन, तो नाम लिखो नहीं फटाफट, मारे मोड़ो वेरियो पासो। अच्छा बेटा तुमको ABCD आती है? हाँ आती है। सुनाओ सुनाओ ABCD सुनाओ। ABCD सुनाओ। A for अटीने, B for बटीने, C for कटीने। ये कैसी ABCD है, किसने सिखाई? ए आ मोरी ABCD है, मो ही कही ने। A for अटीने, B for बटीने, C for कटीने। हम तो पूछ लिया के इतना हवाल पूछ लिया, मारो पोतो हैंग हवाला रे मोई पास भी हो, हैंग हवाल आवे इने। हमें मेन कीजिए थो जल्दी से इनो एडमिशन कर दो, नाम लिख दो। मैडम आपके पोते का एडमिशन तो हो जाएगा, पर हमें आपका भी एक बार टेस्ट लेना पड़ेगा। ओ मारो कोई वास्ते टेस्ट लेवो, पढ़ावनो तो इन्हें है मने थोड़ी पढ़ावनो जो को मारो टेस्ट लेवो थे। मतलब स्कूल के भी रूल्स है, पेरेंट्स का भी टेस्ट लेते हैं। कहना है रूल वूल कोई कोनी है, थोड़ा फालतू रहा चौंचला है, माँ बाप टेस्ट ले, माँ बाप कोई करे जो को पढ़नो तो टाबर ने है। ठीक है जने, हमें मुझावा की पूछनो वे तो लास्ट बार पूछ लो पाछो। मैं इसका नाम तो लिख दूंगी, लेकिन सुनिए आपके पोते को हमेशा नैला के स्कूल भेजना, ये मतलब इतना गंदा स्कूल आता है कि इसके अंदर से ना मतलब बास आती रहे गमायनू, इस वास्ते इन्हें नवार स्कूल भेजा करो। ओ मैंड की मु मारे पोता ने के अट पढ़ने ने भेजू, हुंगर ने कोनी भेजू, इन्हें सूंघिया मती कर पढ़ाया कर, हम जी आई गणी भास आवती है इको। ए मुंडो देखियो मेंढकी।